हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। आप कहेंगे सर आज आपकी आवाज़ में जोश और जुनून नहीं है। कभी कभी तो यार मैं सीरियस होता हूँ, और जब भी आपके करियर की बात होती है, आपके लाइक एग्जामिनेशन की बात होती है, आपके स्टडी की बात होती है, तो आपने देखा होगा मैं पढ़ाते हुए भी उतना ही सीरियस रहता हूँ जितना सीरियस आपका एग्जाम है। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार आपको कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन, कुछ सिखा पाऊँ। ओके, आपने यूं ही नाम नहीं दिया था मुझे, रवीश कुमार। काफी सारे बच्चों ने बोला था ओके कि आप गेट इंडस्ट्री के रवीश कुमार हैं। आज बालक, अभी थोड़ी देर पहले ही एक दो फैकल्टी ने कुछ हमें शेयर किया और बोला कि सर देखिए क्या चल रहा है। तो मैंने भी देखा, मैं रियली बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए नहीं, एक मूर्ति जैसे स्तब्ध हो जाना, उस टाइप का हो गया। मैंने कि ये क्या है, फिर मैंने उसे खोल के देखा, उसमें कुछ और ही बात हो रही है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं आज आप सभी स्टूडेंट से भी ओके, और फैकल्टी मेंबर से भी, क्या है यार ये और क्या कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को ये बोलना चाह रहा हूं, बेटा इस टाइप के टाइटल आपको बैन करवाने होंगे जो आपके करियर से खेल सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी कोई इस टाइप के टाइटल देता है, गेट 2023 पोस्टपोन, आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी बड़ा इस टाइप का एक मुहिम चलाई थी लोगों ने कि गेट 2022 पोस्टपोन होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होगा वो लोग जाने, लेकिन आपका एग्जाम खराब हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बाद में मुझे फोन किया कि सर यार हम लोग वेट कर रहे थे, शायद पोस्टपोन हो जाएगा, पोस्टपोन नहीं हुआ, हमारा एग्जाम खराब हो गया, हमारे 5-6 दिन इस मुहिम में चले गए। मैं तब भी रोका था, मैंने वीडियो बनाए, मेरी रेंज उतनी नहीं थी कि मैं सब तक पहुंच पाऊं। ओके, कभी आपने इतना मौका ही नहीं दिया, कायदे से आपको मौका देना चाहिए था। कुछ ही यार, पता है सब आदमी चाहते हैं कि भारत में या हर जगह, मतलब घरों में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, बस वो चाहते हैं कि वो घर हमारा ना हो। ओके, तो मैं आपके लिए बहुत बार मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की पढ़ाई क्या होती है, पढ़ते कैसे हैं, क्या चीजें हैं, ब्ला ब्ला, आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन उस टाइम पे भी मैं आपको समझाया था कि यार आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना, इस मुहिम का पार्ट नहीं बनना है, जो बन रहे हैं उनको बनने दो। लेकिन फिर भी आप कूद गए, आपने 6-7 दिन खराब कर लिए, और वो भी कौन से, 15 जनवरी के बाद वाले, 10 जनवरी के बाद वाले। आप समझते हो वो टाइम कितना प्रीशियस होता है, स्पेशली अगर आपकी स्टडी पहले से हो रखी हो। तो लास्ट ईयर काफी बच्चों का गेट एग्जामिनेशन जस्ट इस वजह से खराब हुआ था कि किसी एक पर्सन ने, या 2 पर्सन ने, या 10 पर्सन ने आपके अंदर एक विश्वास जगा दिया था कि गेट 2022 पोस्टपोन होके रहेगा। आप भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, जबकि मेरे थोड़े ही व्यूअर थे। ओके, मैंने अपने पर्सनल चैनल पे वीडियो डाला, मैंने इधर उधर भी बोला कि बेटा यार आपको पढ़ते रहना है, अगर अगर एग्जाम पोस्टपोन होता तो सभी के लिए होगा, देन व्हाई यू आर लाइक लीविंग योर स्टडी। लेकिन आप नहीं माने और आपने अपनी पढ़ाई इंटरप्ट कर दी, जिसकी वजह से आपका गेट का रिजल्ट खराब हो गया, और 2022 गेट में जहां आप सबसे सक्सेसफुल हो सकते थे, आप गेट 2023 की प्रिपरेशन करने लगे। और अभी कौन सा मन चल रहा है, दिसंबर, यार 20 दिसंबर को लगभग एक टेंटेटिवली ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि किसी ने एक टाइटल दिया गेट 2023 पोस्टपोन। व्हाई माय डियर फ्रेंड और गेट फैकल्टीज, यू आर डूइंग दिस थिंग। एक तो स्टूडेंट कम्युनिटी, ऐसे टाइटल आपको बाइकआउट करने पड़ेंगे, आपको टीचर को समझाना पड़ेगा। इफ यू आर रियली हैविंग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, देन यू कैन यूज सच टाइप ऑफ टाइटल, अदरवाइज आपको किसी के करियर के साथ खेलने की किसी भी तरीके से, कोई भी, मतलब एक तरीके से नहीं होता बेटा, आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। ओके, आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं यार ऑथोरिटी कि आप ऐसा कोई काम करो। ओके, फिर मैंने वीडियो देखा, उसमें लिखा था गेट 2023 पोस्टपोन, और उसके अंदर बातें की जा रही है, ये है, वो है, वो है। अच्छा, बच्चे उसके बारे में नेगेटिव कमेंट लिखे, ओके वो अलग बात है कि डिलीट कर दी गई एंड सो ऑन। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप कोई ये टाइटल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं बेटा फला बंदा एक्सपायर हो गया, ये मैंने टाइटल दे दिया, ओके, और अंदर मैं बातें कर रहा, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, कोई आके कंडाप जड़ देगा बे, इतनी बड़ी बात देखो यार, आप गेट 2023 पोस्टपोन टाइटल लगा रहे हो और अंदर जाके कुछ और बात कर रहे हो। लेकिन इस टाइटल को देख के कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में एक थोड़ा सा, आप समझते, इंटरप्शन आ गया यार, वो 1 घंटे के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ये क्या चल रहा है। और फिर जब आपको सुना तो और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि यार मजाक करने का एक तरीका होता है, दिस इज नॉट लाइक ए पार्ट ऑफ जोक कि आप किसी के करियर के साथ खेले। ओके, तो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू ऑल गेट फैकल्टी मेंबर्स, प्लीज डोंट डू सच टाइप ऑफ इरिटेटिंग थिंग। ओके, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, वरना मैं मतलब कुछ कर जाऊं यार, मतलब मैं नहीं चाहता कि आपका एग्जाम खराब हो, आपकी चीजें खराब हो। ओके, तो प्लीज एक बार समझिए, इस बार मैं फैकल्टी से भी कर रहा हूँ, स्टूडेंट से भी कह रहा हूँ, और मैं भी, मतलब मैंने तो खैर ऐसा कभी नहीं किया है, तो और जनरली लोग करते भी नहीं है। ओके, बट प्लीज माइंड इट बेटा कि डियर ऑल गेट फैकल्टीज, प्लीज डोंट डू दिस अगेन, नेवर यूज सच टाइप ऑफ टाइटल कि गेट 2023 पोस्टपोन हो गया, गेट 2022 पोस्टपोन हो गया, गेट 2024 अप्रैल में होगा। क्या करना यार,
जो भी आपको आईआईटी ऑथेंटिक वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देती है आपको उसको फॉलो करना है ओके okay. और तब भी आईआईटी ने बेटा आपको साफ लिखा हुआ था 2022 के लिए कि एग्जाम हो सकता है, टेंटेटिव डेट यही है और चेंज नहीं हो रहा था, तो आपको पढ़ते रहना चाहिए था। चलिए खैर वो बीत गया, लेकिन ये क्या है अब आने वाले 50 दिन फिर से खराब ओके okay. तो मैं फिर से कहूंगा बेटा किसी भी फैकल्टी को इस टाइप का टाइटल यूज करने का कतई कोई हक नहीं है। बाकी आप डिसाइड करिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा बोलना आपको पता है सभी के लिए खराब होता है और मैं गुस्सा मुझे बहुत आ रहा है बट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। प्लीज आप स्टूडेंट कम्युनिटी हो, आप चीजों को संभालिए और मैं फिर से कहूंगा यार जहां आपको एक फेथ प्लेटफॉर्म मिले वहां जुड़िए, चीजों को समझिए ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।